गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने भारत का परिचय देखा था कि भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, भारत के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के पॉइंट्स क्या हैं, भारत के आइलैंड्स देखे थे, भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन सी सीमाएं मिलती हैं उसके बारे में बात की थी। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो भारत का भौतिक विभाजन क्या है, कहां पर हिमालय हैं, कहां पर मैदान हैं, कहां पर छोटे छोटे पठार हैं, प्लेटूज हैं, कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, तो उनके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिवीज़न कर लेते हैं और डिवीज़न के बाद हम लोग एक एक टॉपिक पर आएंगे तो डिटेल उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा ग्रेट हिमालय, यानी कि जैसे देखिए यहां पर ये हमारा इंडिया है, तो यहां पर आपको टॉप पे मिलेगा हिमालय, यहां पर हिमालय मिलेगा, पर्वत मिलेंगे, तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हिमालय में सबसे पहले देखेंगे ओरिजन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसी प्लेट्स टकराई, तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे कि हिमालय कितने भागों में विभाजित है। आपने सुना होगा कि ग्रेट हिमालय, लघु, लेसर हिमालय यानी कि लघु, या फिर शिवालिक, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हिमालय में स्थित पासेस, यानी कि पर्वतों के बीच का जो नैरो पैसेज होता है जो दूसरी तरफ से कनेक्ट करता है, तो वो वहाँ पर हम दर्रे के बारे में पढ़ेंगे कि किस हिमालय के पार्ट में कैसे दर्रे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और उसमें से कौन सी रोड या कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। फिर उसके हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई कई बार क्वेश्चन उसमें आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट में आ जाते हैं और फिर यूपीएससी में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालय, तो पढ़ेंगे कि उसके क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय हो गया, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर इंडिया। तो ग्रेट प्लेन्स में आपका ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और ये जो आपका वेस्ट बंगाल तक या फिर असम के मैदान, यहां तक कि हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग ग्रेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे दोआब। दोआब मतलब क्या है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, दो जो आपको नंबर डिनोट कर रहा है, आब से मतलब यहां पर पानी से है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपको दोआब कहलाएगा। तो जैसे पंजाब में बहुत सारे दोआब पड़ेंगे, तो आप देखे होंगे कि रेचना दोआब, तो वहां पर रावी और चेनाब हो गया, विस्त दोआब है, तो व्यास और सतलज क्या हो गया, तो वैसे वहां पर हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। फिर देखिए ग्रेट प्लेन्स में भाबर, तराई, खादर, बांगर, इनके बारे में एक्सप्लेन हम लोग पढ़ेंगे कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से पार्ट में पानी कम होता है, ज्यादा होता है, मिट्टी कैसे होती है, सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला आता है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। तो पेनिनसुलर प्लेटू हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, उल्टा है, तो हम पेनिनसुला क्या होता है कि जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है वो पेनिनसुला कहलाता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, ये इंडिया है, तो आपको यहाँ पर अरेबियन सी मिलेगा, इधर बे ऑफ बंगाल मिलेगा और इधर इंडियन ओशन मिलेगा, तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू देखिए इन्वर्टेड है, ट्रायंगुलर शेप में है, तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, तो हम सेंट्रल हाईलैंड पढ़ेंगे, तो जहाँ पर मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, वो सब हम सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, तो ईस्टर्न हाईलैंड्स है, तो यहाँ पर आपको ये जो छोटा नागपुर पठार है, इन सब के बारे में, राजमहल की पहाड़ियां हैं, सब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू आपका इधर महाराष्ट्र से लेकर फिर नीचे तेलंगाना का पठार हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा, मैसूर का हो जाएगा, तो ये सब हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर मेघालय और शिलांग का, जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मेघालय का पठार या कार्बी एमलोंग का पठार, फिर आपने चेरा पूंजी मासिनराम जो सबसे ज़्यादा बारिश वाले स्थान माने जाते हैं, तो वो इसी के पार्ट है। यहाँ पर हम गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और अभी तो मानसून आने वाला है तो इसका रोल यहाँ पर काफ़ी हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर कोस्टल प्लेन पढ़ लेंगे, तो कोस्टल प्लेन से मतलब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से तट लगते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपका मालाबार तट हो गया, कोरोमंडल हो गया, यहाँ पे आंध्र तट हो गया, और यहाँ पर उड़ीसा के पास उत्कल तट हो गया, तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए फिर एक एक टॉपिक इसमें से उठाते हैं और इसके आगे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ग्रेट हिमालय।
तो देखिए सबसे पहले भी हमने कहा था कि हम हिमालय के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, फिर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पर जो पासेज हैं वो बात करेंगे, और फिर वहाँ पर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम हिमालय के ओरिजिन की बात करते हैं कि हिमालय का ओरिजिन हुआ कैसे। तो देखिए जो जब अर्थ बनी थी तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले महाद्वीप और महासागर थे। तो जो महाद्वीप सारे एक जगह पर थे वो पैंजिया नाम से था, और चारों ओर पैंथलासा नाम का महासागर था। वो आगे चलकर दो भागों में टूटेगा, जो कि नॉर्थ पार्ट आपका अंगारालैंड या लॉरेंशिया कहते हैं और साउथ वाला पार्ट गोंडवानालैंड कहते हैं, और बीच में टेथिस सागर भरा बनाएगा। तो इस टेथिस सागर को भी हम आगे चल के यूज करेंगे कि जो आज का हिमालय है यहाँ पर टेथिस सागर नाम का मलबा हुआ करता था। तो देखिए इस गोंडवानालैंड से इंडियन प्लेट बन गई थी और अंगारालैंड वाले से यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पर आगे क्या है, मॉर्गन और आइजक नाम के व्यक्तियों ने, इन्होंने विद्वानों ने ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से ये जब बताया तो हमें हिमालय के निर्माण समझने में मदद मिली। बाकी हिमालय के निर्माण में या पर्वतों के निर्माण में कोबर का सिद्धांत, जिन्होंने पर्वतों का पालना कहा है तो क्रेडल ऑफ माउंटेन्स भी उन्होंने कहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति समझेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, हमें पहली बात हमें क्या याद रखना है कि ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ। फिर इसमें कौन कौन सी प्लेट टाइप थी, तो सबसे पहले आपको बताना है कि महाद्वीपी महाद्वीपी प्लेट के टकराने से हुई। और महाद्वीपी कौन सी थी, एक तो नॉर्थ से यूरेशियन प्लेट थी जो कि आपकी अंगारालैंड से है, दूसरी यहां पर इंडियन प्लेट या आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कह सकते हैं जो साउथ से थी। तो देखिए जब ये दोनों प्लेटें खिसकेंगे आप इसमें ऐसे समझिए, तो एक नॉर्थ से प्लेट है और ये साउथ से, तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट ज्यादा है। तो देखिए दोनों प्लेटों में कोलिजन हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के पास आएंगी, और जब पास आएंगी प्लेट तो इंडियन प्लेट भारी है तो ये प्लेट नीचे की तरफ सब्सिडाइज हो जाएगी, नीचे की तरफ धंसेगी। जब ये प्लेट धंस रही होगी तो जो बीच का मलबा है ये वाला पोर्शन, देखिए ये दो प्लेट पास में आई हैं एक दूसरे के क्लोज में, अब जब ये प्लेट नीचे चली गई क्योंकि ये भारी है और यहाँ पर ये जो मलबा था ये ऊपर आके जम गया, तो ये हिमालय के निर्माण में आपको यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से समझना है। जो आज का यहाँ पर हिमालय है यहाँ पर पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था और आज ये जो मलबा है टेथिस सागर का ही है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में इतना ही समझ में रखना है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी से हुआ, कॉन्टिनेंटल प्लेट का इन्वॉल्वमेंट था, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशियन थी और दूसरी इंडियन प्लेट थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्लेट नीचे धसी है, तो वो इंडियन प्लेट ही नीचे धसी है। अब देखिए जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो दोनों टकराएंगे तो यहाँ पे एक झटका लगेगा और फिर प्लेट नीचे धसेगी। तो आज भी आप लगातार पिछले एक डेढ़ महीने से सुन रहे हैं कि दिल्ली में भूकंप आया, या उससे पहले आप 2015 में नेपाल में देख रहे हैं, तो ये दरअसल प्लेट नीचे आज भी धसती है। तो प्लेट को ये स्टैटिक नहीं होगी, प्लेट में मूवमेंट अभी भी हो रहा है। आपने दिल्ली में सुना लगभग 14 से 15 बार अभी भूकंप आ चुका है महीने भर के अंदर। तो ये यही रीज़न है कि प्लेट आज भी धसती है और हिमालय की ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है। तो ये अगर स्टेटमेंट है कि हिमालय की ऊंचाई एक फिक्स हो गई है तो ऐसा नहीं है, वो उसकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और यहाँ पर हम आगे चलकर हिमालय के पार्ट्स देखेंगे कि अब देखिए कौन सा पार्ट किस समय बना, कि मायोसीन काल था, ईगोसीन काल था, तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन के बाद हिमालय के पार्ट्स। तो बच्चों देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से समझा। तो वहाँ पर याद रखिएगा कि जो हिमालय है न्यू फोल्ड माउंटेन, यानी कि नवीन वलित पर्वत है, यानी कि उसमें देखा था आपने कि इसमें ऐसे ऐसे फोल्ड पड़े हुए थे, तो ये याद रखिएगा कि ये एक फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है और ये इसके कितने पार्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत में यहाँ पर देखेंगे तो वेस्ट में नंगा पर्वत से लेकर ईस्ट में नामचा बरुआ तक है। ठीक है, ये हिमालय का यहाँ पर विस्तार हो गया। फिर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ आपको सबसे पहले कि हिमालय का जो कॉनकेव शेप मिलेगा वो तिब्बतन प्लेटों के साइड में मिलेगा, यानी कि उधर अवतल ढाल मिलेगा। फिर उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया या आप कहें कि भारत की तरफ इसका जो ढाल या आकृति मिलेगी वो कॉन्वेक्स या उत्तल मिलेगी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि किस साइड हिमालय का कॉन्वेक्स स्लोप पड़ेगा या फिर कॉनकेव पड़ेगा। तो ये यहाँ आपको देखिए क्लियर है, आप ऐसे ही इमेज ड्रॉ कर लीजिए और आप लिख सकते हैं कि
तिब्बतन प्लेटू की तरफ कॉनकेव है और कॉन्वेक्स किधर है, हमारे भारत की तरफ। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ जो नामचा बरवा और नंगा पर्वत की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये हेयर पिन टर्न मिलता है, आप देख रहे हो बिल्कुल पतला सा है। अब यहाँ पर इसे सिंटेक्सियल हिंदी में कहते हैं अक्ष संघीय मोड़, बहुत तीखा टर्न मिलता है, तो यहाँ पर आपको टर्न मिलेगा। इधर तो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से हो जाता है और यहाँ पर आपको मिलेगा इंडस रिवर वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि हेयर पिन टर्न दोनों साइड है और इसे अक्ष संघी या सिंटेक्सियल टर्न बोलते हैं। उसके बाद अगर हिमालय की हाइट की बात करें कि हिमालय की हाइट कैसी है, यूपीएससी में एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जब हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे देन हिमालय की हाइट घटेगी बढ़ेगी, जो भी स्टेटमेंट लिखा हो तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि उसकी हाइट पे क्या इंपैक्ट होता है किसी भी साइड जाने पर और उसकी विड्थ पे क्या होता है यानी चौड़ाई पे। हाइट की बात करें तो सॉरी यहां पर ये इधर वेस्ट हो जाएगा और यहां पर ईस्ट हो जाएगा, तो अब देखिए वेस्टर्न साइड पर हिमालय की हाइट एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड यहां पर कम होगी और जैसे जैसे ईस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो आपका देखिए सिक्किम तक आते आते उसकी हाइट बढ़ जाएगी। नेपाल में आप देख रहे हैं कि वहां पर आपका ये माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,850 मीटर है, फिर आप अपने सिक्किम में कंचनजंगा देख रहे हैं तो वो आपको ईस्टर्न साइड पे ऊंचे पर्वत मिलेंगे। तो ट्रेंड हमें क्या मिला कि ईस्ट की तरफ जाने पर हिमालय की हाइट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सिक्किम के बाद फिर थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बट आपको नॉर्मल ट्रेंड बढ़ने का याद रखना है। फिर इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं, जब चौड़ाई की बात करेंगे तो वेस्टर्न साइड में इसकी विड्थ ज़्यादा है, वो 450 से 500 किलोमीटर है, बट जब आप ईस्टर्न साइड जाएंगे तो वो आपको 100 से 150 किलोमीटर तक की वो सिमट के रह जाती है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि जब ये इंडियन प्लेट इधर से टकराई तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड पर दबाव ज़्यादा लगा और वे जब दबाव उधर ज़्यादा लगा तो उधर ईस्टर्न साइड पे हाइट बढ़ गई, दबाव लगा तो हाइट बढ़ गई और वेस्टर्न साइड एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा हाइट का हो गया, विड्थ का हो गया। अब देखिए तो यहाँ हमने पहले बात देखा एक्सपेंशन, ये याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है कि ये वेस्ट में है या ईस्ट में है, ये दोनों पॉइंट। फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव याद रखिएगा, हेयर पिन टर्न याद रखिए, हाइट कैसे ट्रेंड हो रहा, उसका ट्रेंड क्या है घटने बढ़ने का और विड्थ का क्या है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हिमालय के पार्ट क्या है। देखिए मेनली यहाँ पर है तो तीन पार्ट, ट्रांस हिमालय को हमने यहाँ पे क्यों कंसीडर किया है, ट्रांस हिमालय तो दरअसल हिमालय के निर्माण से पहले था, तो मेन हमारी ये तीन है, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ट्रांस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि हमें अभी आगे चलकर ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आती है, जैसे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सब रेंजेस आती हैं तो हमें वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है और जब आप सीएपीएफ का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखा है कि नॉर्थ टू साउथ सिक्वेंस पूछ लिया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसे 4-5 नाम दिए हुए थे और उन्होंने सिक्वेंस पूछ लिया था, तो वो हमें ट्रांस हिमालय डिस्कस करना है। फिर देखिए तो सबसे पहला पार्ट हो गया ट्रांस हिमालय नॉर्थ में, फिर ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और इसका जो निर्माण टाइम है यानी जो इसका बना हुआ है ये ओलिगोसीन टाइम में बना हुआ है, कभी कभी टैली करने को दे देते हैं, तो ये आप अगर नाम और उनके समय का टाइम पीरियड याद रखेंगे तो आप उसको टैली कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग आते हैं या फिर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, या पेयर जो भी है करेक्टली मैच्ड हुआ है कि नहीं वो आपसे पूछ सकते हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए मिडिल और लेसर हिमालय, इसका नाम हिमाचल भी है और ये मायोसीन टाइम में हुआ है निर्माण इसका, ठीक है। फिर लास्ट में आपका शिवालिक या आउटर हिमालय, तो ये प्लायोसीन टाइम में है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये शिवालिक तो इंडिया के अंदर है, देन व्हाई इट इज कंसीडर एज अ आउटर हिमालय, हमें इसके कंस्ट्रक्शन से देखना है। देखिए अभी हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखा था, तो जब सेंटर देखिए यहाँ पर बनेगा, अगर हम तिब्बतन प्लेटों को सेंटर मान लें तो जितने भी ये, अगर ये जितना ट्रांस हिमालय, ग्रेट, मिडिल, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनने, सेंटर एक है और ये चीज निर्माण होता गया, तो सबसे बाहर में क्या आया शिवालिक, तो शिवालिक को हम आउटर हिमालय कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि इनके दूसरे नाम क्या हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है। हाँ एक जरूरी बात, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि सीएपीएफ में उन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया था, तो इनका भी सीक्वेंस याद ऐसे ही रखिएगा कि ट्रांस, देन ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। तो यहां पर आप ये सीक्वेंस हो गया,
यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब एक एक पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि ये जो ग्रेट हिमालय है और आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी कॉन्टिन्यूस रेंज है और कौन सी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखिए, ग्रेट और मिडिल हिमालय दोनों सतत श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूस रेंज है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि रेंजेस ऐसे हैं, ये कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं, लेकिन जो शिवालिक है इसका ब्रेकडाउन हुआ है बीच में। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां से कई सारी नदियां जो समय से निकली हैं इन्होंने इरोजन किया है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालय की कौन सी रेंजेस आपकी कॉन्टिन्यूस है और कौन सी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बस इतना याद रखिएगा कि ग्रेट और मिडिल कॉन्टिन्यूस रेंज मिलेंगी और जो शिवालिक है आपकी ये डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है, इससे क्वेश्चन आता है। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इनके पार्ट्स और उनके सबके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल, देन शिवालिक। तो देखिए, ट्रांस हिमालय क्या है, माना क्या जाता है इसकी लोकेशन जो सबसे पहले देखें ग्रेट के ऊपर। अभी मैंने आपको सीक्वेंसिंग बताई थी, ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। तो ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में स्टेटमेंट लिख के आता है, यूपीएससी में सीडीएस में क्वेश्चन दिया गया था तो जिसमें से आपको स्टेटमेंट लिखा था। तो याद रखिएगा कि ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। फिर इवन ये भी माना जाता है कि इसका जो निर्माण है हिमालय के निर्माण से पहले, इसलिए हमने अभी बताया था कि जो तीन ही रेंज हम लोग कंसिडर करते हैं, ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। फिर इसकी जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं वो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। ये इनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस है, इसी से रिलेटेड दो रेंजेस और देके सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था। अब काराकोरम की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है और ये जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये क्या कहते हैं कि इसमें आपको काराकोरम को जो है उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ट्रांस हिमालय और जो ग्रेट हिमालय है इनके बीच में जो डिवीज़न होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत श्रृंखला हो गई ट्रांस और फिर बीच में ग्रेट ये हो गया, तो बीच का जो ये गैप है इसे हम क्या बोलते हैं, तो वो आपका हो जाएगा इंडो सांगपो सचर जोन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इधर दे देगा रेंजेस दे देगा और इधर दे देगा कि किन किन के बीच में कौन सी श्रृंखला है या कौन सा जोन है। तो अभी मैं आगे चल के और भी तीन नाम बताऊंगा। तो आपको पहला याद रखना है इंडो सांगपो सचर जोन, यानी कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। तो ये इंफॉर्मेशन होगी आपकी ट्रांस हिमालय के बारे में। तो हमने अभी एक रेंज के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगला पार्ट है ग्रेट हिमालय और इसे हिमाद्री भी कहते हैं। तो नाम दोनों याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती है। और आप इसकी, क्योंकि अगर हम इसमें बात करें कि जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,850 मीटर मानी जाती है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट। अब इसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोकल लैंग्वेज में सागर माथा भी कहते हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर इसी में पर्वत पड़ेगा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरुआ। मैंने यहाँ पर चारों पांचों नाम इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि कभी कभी यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है, एनडीए का हो या सीडीएस का हो या सीएपीएफ का हो, पूछा गया है कि ये किस हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है, तो आपको इन नामों को याद रखना। इससे पहले भी जो हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट थे तो उस पर मैंने डिस्कस किया था। तो ये हो गए हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, इसके महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में डिस्कस कर दिया, इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर मानी जाती है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक, याद रखिएगा हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं और हाइट में हमने केवल मीटर टर्म यूज किया, यानी 6000 मीटर तक, ठीक है। फिर अब दोनों अलग कैसे होते हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय, सबसे पहले देखिए ट्रांस था यहां पर ट्रांस, तो ट्रांस के बाद बीच में हमने यहां पर इंडो सांगपो सचर जोन बताया था, फिर ग्रेट और मिडिल के बीच में भी कोई जोन बनना होगा, तो जिसे हमने क्या कहा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, आपको ये याद रखना है। हमने कहा था अभी कि एक तरफ नाम होगा, हिमालय का पेयर होगा और उसके बाद इधर उसका जोन दिया होगा, तो आपको याद रखना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय यानी कि मध्य या आप लघु हिमालय से ये अलग होता है। तो ये जानकारी रही ग्रेट हिमालय के बारे में। अब अगला हम लोग मिडिल यानी लेसर हिमालय की बात करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने ट्रांस और ग्रेट के बारे में डिटेल पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मिडिल यानी कि लेसर हिमालय। तो देखिए
इसकी हाइट की बात करें तो 4,500 मीटर है, क्योंकि इससे पहले हमने जब ग्रेड का पढ़ा था तो वो 6,000 एवरेज इसकी हाइट थी। तो देखिए हाइट क्या है, अब यहाँ पर इसकी थोड़ा सा कम हुई है। फिर विड्थ की देखिए तो 80 से 100 किलोमीटर, जब आप उससे पढ़ रहे थे आप ग्रेट हिमालय तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, हमने क्या कहा वेस्ट टू ईस्ट जाने पर चौड़ाई घटती है, तो और इसमें भी थोड़ी सी चौड़ाई आपको कम मिलेगी। फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करें, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिप्पा, महाभारत और इवन मसूरी भी इसी का पार्ट आता है। तो आपको ये पर्वत याद रखने, इससे पहले भी हमने मेंशन कराया था कि नंदा देवी, कामेत, कंचनजंगा सब ग्रेटर हिमालय के भाग हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट वैली मिलती हैं, तो इंपॉर्टेंट वैली कहाँ मिलेंगी, बिटवीन ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय। तो देखिए कश्मीर वैली मिलेगी, लाहुल स्पीति वैली मिलेगी, कुल्लू कांगड़ा वैली मिलेगी, आपने नाम भी बहुत सुना होगा कुल्लू का वगैरह का। फिर इसके बाद इसी रेंज में एक अल्पाइन टाइप की ग्रासलैंड मिलती है, घास के मैदान मिलते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर वैली में मर्ग कहा जाता है। तो आप वहाँ पर दो जगह का नाम सुनते होंगे, गुलमर्ग और सोनमर्ग, या कभी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में सुनते हैं, तो ये सब गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ पे आते हैं, ये जम्मू कश्मीर वैली में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वैली में पाए जाएंगे। दूसरी है यहाँ पर घास का मैदान बुग्याल, तो वो आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बुग्याल और मर्ग इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम जैसे अभी तक की बात हमेशा करते हैं कि दो रेंजेस के बीच में कौन सा जोन बन रहा है, तो सबसे पहले ट्रांस पढ़े हमने, देखिए ट्रांस पढ़ा और ग्रेट पढ़ा, तो ट्रांस और ग्रेट के बीच में था इंडो सांगपो सचर जोन था। फिर ग्रेट और मिडिल के बीच में आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट था। अब मिडिल और शिवालिक के बीच में क्या आ गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि मिडिल और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। तो ये आपको मिडिल हिमालय के बारे में बात होगी। अब हम लोग लास्ट में जो सबसे आउटर हिमालय है शिवालिक की बात करते हैं, तो आइए अगला पार्ट। तो बच्चों लास्ट में हम लोग का शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय पड़ता है। तो देखिए इसे आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ये मान लीजिए तिब्बत का प्लेटू, अगर सेंटर अगर मान लें तो सबसे पहले ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, देन शिवालिक। तो देखा जाए शिवालिक क्या हुई, आउटर में आ गई। फिर इसकी जो चौड़ाई मिलती है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलती है, यानी कि ये रेंज ऊपर की दो रेंज की अपेक्षा नैरो है, बहुत ज़्यादा विड्थ इसकी नहीं है। फिर इसकी हाइट देखी जाए 900 से 1200 मीटर, यानी कि ऊपर की जो दो रेंजेस थे यानी मेन जो इनकी है ग्रेट और मिडिल, उनसे इनकी हाइट भी कम मिलेगी। ये नॉट कॉन्टिन्यूअस अनलाइक अबव टू रेंजेस, मैंने भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में जब अपने समझाया था, तो यानी कि ऊपर की यानी ग्रेट और मिडिल कॉन्टिन्यूअस रेंज हैं, बट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि रिवर्स जो ऊपर से हिमालय से निकलती है उन्होंने इसको काट छाट की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोस्ट रिसेंट रेंज है, यानी कि ऊपर की दो श्रृंखलाओं की अपेक्षा अगर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सबसे नवीन श्रेणी मानी जाती है हिमालय की, तो आपका आंसर होगा शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम वैलीज की बात कर लेते हैं, तो वैलीज जो यहाँ पर मिलती है किसमें, मिडिल और शिवालिक के बीच में, तो यानी जो घाटियाँ मिलेंगी उसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। बाकी अगर ईस्टर्न साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काठमांडू वैली भी मिलेगी, और ये जो वैलीज हैं ये यहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलती है, और फर्टाइल सॉइल होने के कारण आपको पता है कि जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होगा एरिया, ठीक है। फिर अब देखिए जो लोअर पार्ट ऑफ शिवालिक है उसे हम तराई जानते हैं, हालांकि तराई के बारे में हम जब ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट ये आप जानिए कि ये मार्शी एरिया होता है और यहाँ पर आपको हाई बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। और मार्शी एरिया इसलिए होगा क्योंकि आपको मार्स गैस यानी मीथेन CH4 के बारे में बताया गया होगा, तो या आपने पढ़ा होगा कभी, तो वो उसके कारण उसे बोला जाता है, ठीक है। फिर शिवालिक और उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, ग्रेट प्लेन शुरू हो जाता है, तो इनके बीच में भी एक जोन बनता है, तो इस जोन को क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन, फिर ग्रेट और मिडिल के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पढ़ा, फिर मिडिल और शिवालिक बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट पढ़ा, अब शिवालिक और लास्ट में ग्रेट प्लेन्स हमारा स्टार्ट हो जाता है, देन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पड़ेगा। तो ये हमें ओवरऑल इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो स्टार्टिंग से हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हिमालय का हमने ओरिजिन पढ़ा कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई, तो हमने वहाँ पर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताई। फिर हिमालय की लोकेशन कि वेस्ट में ईस्ट में क्या है, उसका स्लोप कॉन्केव कॉन्वेक्स किधर मिलता है, उसकी विड्थ और जो हाइट है उसका ट्रेंड क्या है, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर सारे पार्ट बात कर लिया कि ट्रांस, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक, ये नॉट
नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस हो गया। फिर हमने सबको डिटेल में पढ़ा, किस पार्ट में कौन कौन से पर्वत आते हैं वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिवालिक जैसे है तो शिवालिक को आउटर क्यों कहते हैं उसके बारे में, और हर एक हिमालय के जो दूसरे नाम हैं उनके बारे में बात कर ली, और सारे जोन की बात कर ली। तो ये ओवरऑल आपको हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब जो बचता है हिमालय में स्थित यानी कि जो पासेस हैं, दर्रे हैं यानी पर्वतों के बीच का जो नैरो पैसेज होता है जो इस पार से दूसरे तरफ को जोड़ता है, और हिमालय की इंपॉर्टेंस, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ आज के जो टॉपिक है इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें, और आप वहाँ पर अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर आपको ऐड करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया आपको तो यहाँ पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक की जो क्लासेस हैं वो कहीं रेगुलर नहीं चल रही हैं, तो आपको यहाँ से अब रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। और आपको पता है कि 2 मंथ के बाद आपका पेपर होने वाला है तो जल्दी से सिलेबस भी कवर करना है। तो आज के लिए ये टॉपिक, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।